मतलब थ्री। मतलब ये तो खुशी का बात है ना। यस। अरे हाँ, हमको टोचिंग बाबा को बुलाना पड़ेगा। अरे ये तो पूछो कौन है, कौन है? जब मैं पहले इधर आया था ना, मतलब वो आयरन के लिए ढूंढ रहा तो केवल हर जगह पे, हाँ, तो वो टोचिंग बाबा मुझे कॉपर माइनिंग करते हुए मिला था। कॉपर? ओके। और फिर मैंने उससे थोड़ा बात किया था, हाँ, तो वो उस मतलब उसको कुछ जरूरत था, जैसे कि कोल ऐसा कुछ, तो उसको जरूरत था क्योंकि उसे ना टॉर्च से पावर मिलता है। अच्छा, तो मैंने उसका मदद कर दिया था। तो मतलब, है ना, हाँ, तो वो बोला था कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो, हाँ, तो मुझे याद कर लेना या फिर मुझे बुला लेना, तब तो बढ़िया है ना, उससे हेल्प हम मांग सकते हैं। पूरा तो बात सुन लो। हाँ हाँ। तो बोला कि तुम लोग मुझे बुला लेना, उसके बाद मैं तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ तो वो बोला था। अच्छा। और उसको बुलाने का टाइम आ गया, मतलब अभी आया नहीं है, अभी बुलाना उसको पड़ेगा, अभी तो वो कुछ काम कर रहा होगा। वो बोला था कि मैं एक आविष्कार कर रहा हूँ, उसको बिना मतलब उसको जब तक मैं कर नहीं लिखता मैं अभी कोई जगह पे नहीं जा सकता। जल्दी इधर आओ जी। अरे मैं इधर से आ रहा हूँ ना। मतलब मतलब ये तो खुशी का बात है ना। यस। अरे अंदर नहीं। हाँ, सो जाओ जल्दी सो जाओ। ओके, सो गया। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी का बात है यार। अब तो पता चल जाएगा कि हमको कंट्रोल कौन कर रहा है। हाँ, अब तो पता चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस दुनिया में ना बस तीन लोग हैं, हम लोग, तीन के अलावा मतलब कोई नहीं है वैसा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन कंट्रोल कर रहा था। अभी तो हम दोनों को कर रहा था। जमीन के अंदर को क्रीपर को कोई फिक्स करके रखा है कि हम लोग आए और फट जाए। हाँ, मुझे यही लगता है। उधर देखो कहाँ देखो, आगे सीधा। अरे हाँ, क्रीपर फिट करके रखा है। करो अच्छा, जमीन से नहीं गए। तुम कहाँ हो S33? अच्छा हो गया, वरना भी फट जाता। कौन फिट करके रखा है? -100। अरे बकरी, ये इलस दुनिया में बस मेरा असली बकरी रह सकती है। एक ही था जो वो मर गई है। ए, तुम उधर जाके जल्दी कॉल ले आओ। आली, एक ज़ोंबी के ऊपर एक बच्चा पड़ा है। अरे मर जाएंगे हम लोग, पहले जो काम के लिए आए थे वो करो। तब तू इतना इधर क्यों आए बता पहले। मरने के लिए हम लोग बोले थे वो माइनिंग में कर, माइनिंग मतलब माइनिंग करने, तो उधर माइनिंग हम लोग बनाए, उसमें से माइनिंग करो। इधर आओ S33। अरे उधर ले मत जाओ, दो ज़ॉम्बी। ओके ओके। मैंने गलती से अपना बेड बेड अपने नहीं छोड़ी थी, कैप के तो वही लगा था। मैं भी फोन हो गई वहां। आ जाई तो पैसा काटो उन लोग को, छोड़ो पहले ये कॉल लो जल्दी। हमें कॉल, क्या उसका नाम था? टॉर्चिंग बाबा को बुलाना होगा। अरे मैं कहाँ चला गया? इधर आओ, इधर कॉल है, मुझे मिल गया है। को भी इधर मिला है, तो ले लो। मेरा सामान। दोस्तों कोई खाने दे दो। आ जा इधर। दोस्तों, इसमें टॉर्चिंग बाबा है ना, इसलिए हम लोग को लगता कॉल नहीं मिल रहा था क्योंकि अरे मुझे भी बोलने दो ना। दोस्तों, इसमें टॉर्चिंग बाबा है ना, इसलिए कॉल नहीं मिल रहा था क्योंकि वो कॉल से टॉर्च बनाता होगा शायद, और आप उससे अपना पावर लेता होगा। तब भी तो। ओके ओके, अब जितना इधर कॉल है ना सब उठा लो। अब टॉर्चिंग बाबा हमारा हम लोग का हेल्प कर सकता है। अरे उधर नीचे है, नीचे। हाँ दोस्तों, उधर से अरे उधर से अपने आप क्रीपर गायब हो गया। किधर वहाँ से ना क्रीपर अपने आप गायब हो गया। किधर है मेरा स्वॉर्ड? यहाँ और आगे वो आपका सामान है। तुम्हारा सामान मिल गया? हाँ। कोल वोल मिल गया? एक मिनट को देखता हूँ। आर्मर मिल गया? हाँ पूरा। अब मेरा बात सुनो। हाँ बोलो। इधर से अपने आप क्रीपर वो गायब हो गया, यानी कि इसको भी कंट्रोल कर रहा है वो।
अब तो कहीं पर भी छोड़ेगा मुझे लगता है क्रीपर को, मतलब कि जल्दी टॉर्च बाबा को बुलाना होगा कुछ नहीं। टॉर्चिंग बाबा, अरे हाँ टॉर्चिंग बाबा अली। मतलब अब बचने से बेगते दिखा, मैं अपने आप मारा नहीं था। हाँ कुछ तो ये जो क्रीपर गायब हुआ ना, वो क्रीपर मेरे ऊपर फटा है। अरे तब भी तो मुझे लगा कि कहीं तो आने वाला है वो, यानी कि टॉर्चिंग बाबा को जल्द ही बुलाना पड़ेगा। चलो वो उसके लोकेशन पे ही चलते हैं। उसका लोकेशन बताओ क्या है, उसने अपना कोऑर्डिनेट बताया। S33। हाँ मैं सुना हूँ कि वो टॉर्च ऐसा मतलब कुछ तो इधर बनाएंगे तो वो डायरेक्ट यही जगह पे आ जाता है। वो ऐसा आ जाता था, मतलब आ जा रहे था लेकिन वो नहीं आता है। बताओ क्यों? क्योंकि है ना वो है ना जो अपना काम कर रहा है, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट काम है। ओके तुम्हें पता है कि क्या काम करता है? हाँ अपना ना सीधा घर का लोकेशन बताया था। अच्छा उसके घर पे हमको जाना पड़ेगा। ओके ओके तो चलो जल्दी। ठीक है चलो पहले एक बार एक नींद सो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ चलो सबके पास बैठा है ना? हाँ है मेरे पास। चलो जरो सिंह तुम्हारे पास है? हाँ। अरे आराम से सोना, ये अपने आप कंट्रोल करने लगता है पता नहीं कैसे। चलो हमको जल्दी है ना उसके लोकेशन पे जाना पड़ेगा। और वो उसको लोकेशन जो है ना, हाँ बहुत खतरीला एक तरीके से है। ओके तब तो आराम से जाना होगा। यानी कि उसका लोकेशन एक जिधर है ना ना घास, मतलब एक पहली जैसे थोड़े तो बताया था, जिधर है ना ना कुछ उग सकता है हरा हरा ना कुछ ऐसा है, वो जगह पे वो रहता है। यानी कि रेगिस्तान वो होगा। हाँ रेगिस्तान से मैं यही सोच रहा था कि क्या क्या हो सकता है। ओके अली तुमने तो एक ही बार में बता दिया। नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उधर तो घास भी नहीं उग सकता, पेड़ भी नहीं लगता है, और विलेज ऐसा तो रहता है ना सफेद सफेद, लगता है कि वो विलेज में रहता है। यहाँ रुको 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 पता कर, यही है क्या? शायद विलेज में रहता होगा। नहीं वो सफेद वाले। हाँ मुझे तो ऐसे ही मतलब बस खाली तुक्का ऐसा लगाया, ऐसा लग रहा था मुझे। चलते जल्दी से जल्दी तब। कहाँ? तुम ले लो वो आयरन, हम लोग जाएंगे अभी। उसका लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है। कितना है? बस उसका लोकेशन मतलब उसने जो बताया था उसका लोकेशन है -2000। अरे तो ज्यादा दूर है। 952 और दूसरे का -1864। ओके तुम पहले बताया करो कि कहाँ कहाँ से जाना है ना। हाँ ठीक है तुम जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। ओके ओके चलो मैं भी आऊं। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, क्योंकि टॉर्चिंग बाबा को ढूंढने का है ना बहुत जरूरी मतलब वो है। और अगर अगर हम तीनों जाएंगे ना तो सही रहेगा, अगर बस दो ही जन जाए ना तो एक जन को कंट्रोल करके कुछ भी वो कर सकता है। तीन जन को कंट्रोल करना एक जन के लिए मुश्किल है। चलो जल्दी ये बात तो तुमने सही बोला। अरे जल्दी चलो, मतलब जल्दी मैं नहीं चल पा रहा हूँ तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे अरे एक मिनट तुम लोग सब लोग मेरे से एक मिनट पीछे रहो, अभी अभी मैं सबको जल्दी जल्दी चला देता हूँ। ओके दोस्तों उधर हम लोग पहुँचे। कहाँ? चलो कोल माइनिंग करते हैं चलो, क्योंकि टॉर्चिंग बाबा को है ना। हाँ उसको टॉर्चिंग बाबा को है ना टॉर्चिंग बाबा को पसंद करने के लिए आधा घंटा इधर ही लगाएंगे हम लोग। अरे इसको देखो पहले ही माइनिंग करने लगा। एक मिनट मुझे भी इधर आयरन मिला यार। टॉर्चिंग बाबा के लिए कुछ तोहफा लेके जाना पड़ेगा हमको। ओके इधर देखो ना कुछ तो। अरे कॉल मिल गया, आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ। जल्दी आगे अपने पिकेट से थोड़ा स्वागतम करो। नहीं इधर। अरे इधर है रुक जाओ। हाँ दिख गया दिख गया। मैं थोड़ा टॉर्च बना देता हूँ। अरे मेरा टॉर्च ही गायब हो गया। मेरा बात सुनो। अरे मैं थोड़ा टॉर्च बनाया था, मेरा टॉर्च ही गायब हो गया। अच्छा इसको जल्दी ढूंढना पड़ेगा। अरे गिर गए। नहीं अरे वो छोड़ो अब चलो जल्दी। 4 बजे। अरे इधर भी कॉल है। हाँ ले लो।
अली हम लोग तो, अरे बैठो जल्दी, मैं किनारे हो गया ना, चलो अली टॉर्च और छोड़ो, टॉर्चिंग पावर के पास जल्दी से चलते हैं। हाँ और फिर मतलब तो मैं सोच रहा हूँ कि वो उधर जाएंगे तो वो कैसे आएगा। अरे कैसे जगह है वो, तब तुम बोले थे और वो टॉर्च लगा के आएगा ऐसा कुछ। अरे वो अगर मैं तुम्हें पहले भी बताया कि वो अभी बहुत अपने बहुत खतरनाक काम में व्यस्त है। अच्छा वरना वो तो मेरा एकदम मेरा वो दोस्त बन गया था, क्योंकि उसको मैं जो जो अरे पानी लगाओ ना, हेल्प कर दिया था। आओ जल्दी। ओके ओके आता हूँ आता हूँ। अरे डॉट कहाँ चला गया? पीछे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जल्दी ले आओ। टॉर्चिंग बाबा है ना, ये कितना ऊपर है सावा, दिमाग खराब कर रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे तो आपको टोचिंग बाबा के उधर हम लोग गए थे ना, तो टोचिंग बाबा हम लोग को नहीं मिले थे, और उधर बोर्ड पे लिखा था ना S3 क्या बताओ तुम, क्या लिखा था उसपे? उसपे लिखा था कि टोचिंग बाबा अभी मतलब वो उधर गए हैं हिमालय पे, तो कुछ तो बोलते हैं कुछ तपस्या करने। हाँ हाँ तपस्या करने गए हैं, और वो बोले थे कि मुझे ढूंढना अभी बेकार है, क्योंकि अब मैं मतलब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, और तपस्या के बाद आऊँगा तो तुम लोगों को मिलूँगा। उससे पहले मैं तुम्हें ये सब मतलब चैलेंज दे रहा हूँ, ये मतलब पूरे घर को अपने वर्ल्ड को अच्छा बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसमें उस बोर्ड में ना तीनों जन का बहुत खराब बेइज्जती किया था, मतलब कुछ तो बोल लिखे थे ना, जो लेकिन बोल नहीं सकते जो हम नहीं बोल सकते दोस्तों, इतना खराब। हम तीनों को तो बहुत गुस्सा लगा था। 06 ना बोल रहे थे कि चलो उसको मार देते हैं, लेकिन क्या करे वो टोचिंग बाबा तो भाग के, नहीं मतलब टोचिंग बाबा तो हिमालय पर्वत पे गए थे, मतलब बहुत दूर तपस्या करने के लिए। दोस्तों तो स्थिति बोला था ना कि अभी उसको मारने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना आइलैंड सही करना है। और दोस्तों मुझे भी बहुत गुस्सा लगा था, तो हम लोग सोचे थे ना पहले अपना वर्ल्ड एकदम अच्छा बनाएंगे, और तो तब बाद में ना दोस्तों टोचिंग बाबा को दिखाएंगे, जलाएंगे, तब जाके बदला मतलब दिखा के बदला लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके कारण ना हम लोग को बहुत सामान बनाना है दोस्तों। पहले तो ना दोस्तों इधर हम बहुत बड़ा खेत बनाएंगे बहुत अच्छा तरीके से। दोस्तों स्थिति तुम कहाँ हो? मैं तो इधर वो खड़ा हूँ। ओके अभी मैं आ रहा हूँ। ओके ओके जल्दी आ जाओ, जल्दी खेत बनाते हैं दोस्तों। खेत बनाने के बाद हम मिलते हैं, और मैं दिखा दूंगा दोस्तों खेत में कैसे बनाया था दोस्तों। और वो टोचिंग बाबा से ना मतलब वो भी नहीं पूछ पाए कि तीनों जन को ना कंट्रोल कौन कर रहा था, यानी कि अली 786 S33 और 06 को पता नहीं कौन कंट्रोल कर रहा था दोस्तों, वो पूछ भी नहीं पाए क्योंकि वो नहीं थे।